हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त, ये है दही भल्ले। जो दही भल्ले हैं बिल्कुल मार्केट जैसे, टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट है, सॉफ्ट बने हैं। और किस तरीके से बनाए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ हमने लिए है दालें। तो दालें मैंने जो ली है वो ली है, देखो, उड़द की दाल और मूँग दाल तो हमने चिक्कल वाली ली है। मसूर की दाल हम बिना चिक्कल वाली लेंगे, अगर आप चाहें तो चिक्कल वाली भी ले सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। तो दो दालें जो हैं वो मैंने चिक्कल वाली अलग करके भिगोई हैं, और जो मसूर की दाल है वो मैं अलग करके भिगूंगी। पानी डाल के रख दीजिए, तकरीबन 2-3 घंटे तक ये भिगेंगी, आराम से फूल जाएंगी। तो 2-3 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारी दाल किस तरीके से दिख रही है फूलने के बाद। वेट करते हैं, टिक 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 टिक, हाँ। तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, और जैसे मैं बिज़ी हो गई थी इसलिए मैं देख नहीं पाई। 3 से 4 घंटे हो चुके थे तो दाल हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। देखिए, नाखून गुड़ा के देखेंगे तो हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल गई है। अच्छा, चिक्कल वाली दाल को हमने इसलिए लिया क्योंकि इसका बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। अगर हम धुली लेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। अगर आप लेना चाहें तो मेहनत से बचेंगे, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं ये वाली लेती हूँ चिक्कल वाली, तो मैं इस तरीके से चिक्कल तो अलग कर लेती हूँ, हो जाता है इजीली। एक दो बार पानी बदलने के बाद चिक्कल आराम से ऊपर से तैर के अलग हो जाती है। जैसे इस तरीके से हम करेंगे 2-4 बार तो वो हमारे चिक्कल अलग हो जाएंगे। एक दो बच रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं बात है। तो यहाँ पर एक मिक्सी जार में हमने सारी दालें डाल दी है, और देखिए सारी दालें हम इकट्ठा डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पानी यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे, हमें बैटर जैसा बनाना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। देखिए, इसी तरीके से हमने बैटर को तैयार कर देना है। हमारा बैटर तैयार हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब हमने इसे थोड़ी देर स्टे करना है 1/2 घंटे के लिए, और ये थोड़ा सा फूल जाएगा और भी, और सारी दालें थोड़ी सी खमीर में आ जाएंगी, पर खमीर का टेस्ट नहीं आएगा, हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैंने किशमिश और नारियल, ग्रेटेड नारियल लिया है तो वो भी डाला है। इससे बहुत अच्छी हमारे दही बड़ों जब हम खाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब टाइम हो गया मिक्स करने के बाद, अब मैंने इसे हाथ से थोड़ा सा फेंटा और उसके बाद मैंने ये ऑयल गर्म करा और उसमें ये अपने दही भल्ले, सॉरी भल्ले हमने डाल दिए। अच्छा, हमने गोल्डन ब्राउन तक हमने इसे सेकना है, जैसे एज यूजुअल सबको पता होता है। ये मैंने कर लिया है और ये बहुत सॉफ्ट से तैयार हुए। अब क्या करना है, हमने गर्म पानी करना है। तो गर्म पानी हम जैसे बर्तन लेंगे जिसमें हमारे सारे वो डल चुके हैं, बड़े डल जाएंगे। और यहाँ मैंने हींग ली है, हींग को 1/2 चम्मच, 1/4 लिया है, 1/2 चम्मच नहीं लिया है, 1/4 चम्मच हमने लिया है। और उसे गर्म करना है अच्छे से, पानी जब तक खौल ना जाए हम तक उसे पानी को गर्म करेंगे। पानी गर्म हो जाए, जब ये खौल जाए तो फ्लेम ऑफ कर दीजिए, अपने सारे दही बड़े उसके अंदर डाल दीजिए और इसे अभी रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर, बिल्कुल ठंडा हो जाए, जैसे हाथ हम अपना डाल दें। तो उसके बाद दही बड़े निकालना है और ऐसे हल्के से हाथों से निचोड़ना है। और उसके बाद आप अपने एक किसी भी बर्तन में, आप जिसमें सर्व करना चाहें उसमें रख सकते हैं। देखिए, हम पहले सारे दही बड़े अलग से निकाल लेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट से हुए हैं, सारा पानी अब्जॉर्व कर लिया। हींग वाला फ्लेवर बहुत ही यम्मी आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है, सही कह रही हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मैं यकीनन बोल रही हूँ कि अगर आपने एक बार ट्राई करें तो आप बार बार ये बनाना चाहेंगे। तो एक प्लेट में एक सर्व कर लीजिए, जैसे दही बड़े मैंने फोड़ के रख दी है, और दही जो मैंने होममेड दही है मेरा, अभी तो मैं इसको डाल दूँगी। मेरे क्रीमी सा दही की रेसिपी मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगी। और हाँ, ये मैंने नमक डाला ऊपर से, थोड़ा नमक डालना ज़रूरी क्योंकि हमने अपने बैटर में कोई फ्लेवर नहीं डाल रखा है, नमक ना मिर्च ना मीठा कुछ भी नहीं डाल रखा। ऊपर से तीखी मिर्च डाल रखी है, यहाँ मैंने मसाला ऊपर से डाल रही हूँ, वो मसाला मैं अभी ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके इसका लिंक देख सकते हैं, मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगी। पत्ता गोभी ऊपर से ग्रेटेड करके डाल दीजिए, और यहाँ मैंने चुकंदर भी डाल दिया है। मीठी चटनी इमली और गुड़ वाली चटनी है, वो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
और बस देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर ऊपर से चाहें तो आप अनार के दाने भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ मेरे पास मूंगफली रखी थी तो मैंने मूंगफली डाल दी है, और अगर काजू बादाम डालना चाहें तो वो भी डाल दीजिए। कुछ भी ऊपर से एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, पनीर के टुकड़े भी डाल सकते हैं, और यम यम में खाइए। वीडियो कैसी लगी तो बताइए ज़रूर।